फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हैं बहुत इजी हैं, लेकिन आप लोग बस ध्यान रखो कि जब भी आपने कोई भी चीज़ आपको नज़र आ गई, मतलब जैसे कि नज़र आ गया, तो आपके जहन में फ़ौरन से इसका फार्मूला आ जाना चाहिए और पता चल जाना चाहिए इसका आंसर ये है। ठीक है, अगर आपको ऐसा होगा ना, तो आपके आगे जो अगला जो क्वेश्चन पढ़ोगे, अगला जो स्टेप पढ़ोगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पढ़ा अर्निंग आफ्टर टैक्स, मुझे पता चला यार ये है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है EPS मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फ़ौरन से मुझे पता चल गया। अब अगर आगे कहीं EPS मिस होगा ना, फ़र्ज़ कर लो EPS मिस हो जाता है, तो मैं कैसे निकालूंगा ये मुझे मालूम होगा, नंबर शेयर मालूम होंगे तो EPS निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको हर ये चीज़ का फ़ौरन याद आना चाहिए। यहाँ इक्विटी शेयर नंबर आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले में जो ऊपर मैंने बोला, उसमें नंबर ऑफ शेयर तो आ रहा था, उसको साइड पर ले जाओ और जो मल्टीप्लाई होता है उसको डिवाइड कर दो, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई EPS जो है ना, वो नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला है। यही करके देख लो, 1 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 2 करो EPS, तो आंसर 50,000 ही आता है। तो ये फार्मूले अगर आपको आएंगे ना, तो आप जो है वो कर लोगे। मार्केट प्राइस पर शेयर इसका क्या फार्मूला होता है, ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, PE रेशो हमारे पास नहीं थी। PE रेशो क्या होती है, प्राइस टेन, ये पहले सवाल से ही निकल रहे हैं सारे। तो प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स, तो 10 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 10। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, जिसके नहीं मतलब जो जो वैल्यूज़ निकल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसी ज़रूरत अब है कि नहीं है, वो अगले इस लाइन में पता चलेगा। पहले रिक्वायरमेंट क्या कहता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू इशू। ये NT मांग रहा है, ये NT मांग रहा है, वो कह रहा है रिक्वायर्ड टू इशू एक्विजिशन के वक्त। जो AB है, जो एक्वायरिंग कंपनी है, वो टारगेट को जो NT इशू करेंगी नंबर ऑफ शेयर्स, वो मालूम करो। ठीक है, तो वो कैसे मालूम होते हैं, जब आपके पास क्या होता है, एक्सचेंज रेशो। ठीक है, अब यहाँ एक्सचेंज रेशो ने खुद दे दी है 0.8। जब खुद एक चीज़ दे दी है ना, फिर आपने वो फार्मूला लगाना, मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, वो नहीं लगाना। 8 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, वो नहीं लगाना, क्योंकि उसने खुद दे दी एक्सचेंज रेशो इतनी। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया था NT का क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखा भी होगा, जो NT का फार्मूला है 20,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर एक्वायरिंग टारगेटिंग के मल्टीप्लाई है जो एक्सचेंज रेट जो है, यही फार्मूला है NT का, तो 16,000 है। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल है, वो कहता है कि व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। अब देखो, ये एक्सचेंज रेशियो थी, हमें नहीं पता कि मार्केट वैल्यू के बेस पे थी या नहीं थी, हमें उसने अब लेकिन पार्टिकुलरली यानी कि स्पेसिफिकली कह दिया यहाँ पर कि आपने किस पे मार्केट एक्सचेंज रेशियो निकालनी है, मार्केट प्राइजेज पर। ठीक है, तो मार्केट प्राइस शेयर की क्या है, 8 और 20, तो कैसे निकलती है, सिंपल एक्सचेंज रेशियो का फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेटिंग डिवाइड में मार्केट वैल्यू ऑफ AB यानी कि 8 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये फार्मूलों की गेम है। यहाँ पर देख भी लो, ये मैंने किया हुआ, प्राइस पर शेयर ऑफ CD, प्राइस पर शेयर ऑफ AB, 8 डिवाइड बाई 20, 0.4। अच्छा यार, ये देखो एंड पे आके इसने एक बात की थी कि ये जो देखो यहाँ पर कह रहा है 0.8 रेशो पे मालूम करें ये सारे, और 0.4 पे यानी कि इसने कहा मार्केट वैल्यू पे जो आप निकालोगे, उसने बताया नहीं यहाँ मार्केट वैल्यू बेस क्या है। तो मार्केट वैल्यू भी हमने निकाला कितना है, 8 डिवाइड बाई 20, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। एक तो है ये जो गिवन है, ये मार्केट वैल्यू बेस है कि नहीं हमें नहीं पता था, क्योंकि इसने ज़्यादा लिखा नहीं था, बस ये बताया था कि एक्सचेंज रेशियो। जब वो कहेगा एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, तो उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, मार्केट वैल्यू जो भी हमने किया ऑफ CD डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ AB, तो 8 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अब ये जो है ये कहता है कि इन दोनों के लिहाज से ये बाकी स्टेप करने हैं। ठीक है, क्योंकि पहले दो स्टेप जो हैं उनमें तो ये चीज़ यूज़ ही नहीं होती एक्सचेंज रेशो। ठीक है, इधर एक्सचेंज रेशो निकालनी थी, इधर जो है नंबर ऑफ शेयर निकालने, इधर दोनों में यूज़ नहीं होती, यूज़ होती है इन सब में। अब कैसे होगा, हम लोग यहाँ पर जब भी कोई काम इसके लिए करेंगे ना, वो एक दफ़ा एक्सचेंज रेशो लेके करेंगे 0.8, और एक दफ़ा एक्सचेंज रेशो लेके करेंगे 0.4, जो कि हमारी निकली है एक्सचेंज रेशो मार्केट बेस। वो कहता है व्हाट इज़ द करंट प्राइस अर्निंग रेशो PE रेशो ये ऑफ द टू। अब देखो उसने क्या कहा, करंट। ठीक है, जब करंट की बात की तो इसका मतलब है कि हमें तो मर्जर की बात की चाहिए नहीं। ठीक है, लेकिन PE रेशो का फार्मूला क्या होता है, यही चीज़ आपको अगर आपने सवाल नंबर 1 ही आ गया तो यहाँ से देखो,
मुझे ये बताओ पी ई रेशो यहाँ पर कैसे आई होगी 10 टाइम्स, अभी हमने किया ये वाला फार्मूला। तो अगर हमारे पास ये हो क्या कहते हैं प्राइस और ये हो EPS, तो हम लोग मालूम कर सकते हैं 10 टाइम्स यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमें प्राइस और वो मालूम है। हाँ प्राइस भी मालूम है, EPS भी मालूम है। ये वैल्यू पुट करो, ये आ गया 10 टाइम्स और ये आ गया 8 टाइम्स, यही मैंने किया 10 टाइम्स और 8 टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब वो क्या कहते हैं अगले स्टेप में, अज्यूम। अच्छा यही अब देखो यहाँ पर क्योंकि यूज़ ही नहीं होना था एक्सचेंज रेशो का, तो एक के लिए करनी है ना, इसमें तो कोई यूज़ ही नहीं हो रहा। वैसे भी वो करंट का मांग रहा, तो एक्सचेंज रेशो तो यूज़ होती है जब आफ्टर मर्जर की बात हो। अब यहाँ पर देखो क्या होने लगा, वो कहते हैं अज्यूम द अर्निंग्स ऑफ ईच ऑफ द फंड रिमेन द सेम। वो कहते हैं अर्निंग्स सेम रही हैं, यानी कि अर्निंग्स क्या होती हैं EAT, वो सेम रही हैं। वट इज़ द EPS आफ्टर एक्विजिशन, EPS आफ्टर एक्विजिशन को कहते हैं EPSM, वो जो लंबा वाला फार्मूला है। देखो उसमें सारा कुछ हमको गिवन है, EAT ये भी गिवन है, EAT ये भी गिवन है, NA ये 50,000 गिवन है एक्वायरिंग के, NT हमने ये नहीं लेने। NT का आपको पता है क्या कैसे लेते हैं, अब यहाँ NT मुझे बताओ किससे निकलता है, NT निकलता था NT इज इक्वल टू एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर तो आ गया 20,000। एक्सचेंज रेशियो यहाँ पर हमें दो है ना, आप देखो ए और बी, तो इसलिए ये स्टेप हम लोग दो के लिए करेंगे, ठीक है। ये समझ रहे हो बात, जहाँ पर वो यूज़ आ गया तो वहाँ पर दो के लिए करेंगे। अब देखो मैंने ये लिखा, ये पहले और पूरा फार्मूला लिख दिया, फिर मैंने एक कॉलम ये बनाया, ठीक है। इस कॉलम में लिखा जब एक्सचेंज रेशियो क्या हो 0.8 तब ये होगा, ठीक है, और जब एक्सचेंज रेशियो हो 0.4 तब ये होगा। हुआ क्या, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया सेम रहना है, ये दोनों सेम। फ़र्क पड़ता है जो इशू की जाते हैं एन टी पर फ़र्क पड़ता है। तो NT कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 20,000, अगर यहाँ देखा जाए 20,000। अब 20,000 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, तो 16,000। यहाँ पर किससे करना है 0.4 से, तो 16। दोनों में देख लो फ़र्क आ गया 1.81 2.0690। और ये एक सर की बात मैं ये बता दूँ कि सर ने कहा था कि 4 पॉइंट तक, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 चौथे पॉइंट को राउंड ऑफ कर लेना अगर इससे भी आगे चल रहा हो, तो इस तरह लेनी है 4-4 पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद वो कहता है पांचवा, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट EPS पर शेयर ऑफ CDT लिमिटेड। यार देखो यहाँ पर एक बहुत अजीब सा काम हो रहा था, ये एक फार्मूला आप लिख लो इक्विवेलेंट EPS, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना इक्विवेलेंट के। वो कैसे निकलता है, टारगेट कंपनी की ही हमेशा ये इक्विवेलेंट EPS मालूम करते हैं हम लोग, और ये सिर्फ तब करते हैं जब EPS जो है EPS वो या तो 1 से कम हो या 1 से ज़्यादा हो। यहाँ पर देखो यहाँ से दोनों में 1 से ज़्यादा ही है, 1 से अगर कम होती तब भी हम लोग ये इक्विवेलेंट मालूम करेंगे, और अगर ज़्यादा हो तब भी करेंगे। अच्छा आप ये कह सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपकी EPSM क्या थी, यहाँ देख लेते हैं EPSM 2.0 यानी कि 1 से ज़्यादा थी, लेकिन वो यहाँ मांगा नहीं था रिक्वायरमेंट, यहाँ मांगेगा वहाँ पर ये करेंगे, और तब ही करेंगे जब 1 से ज़्यादा ये कम होगी। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर मांग लेता है, यहाँ पर मांग लेता, और मैंने देखा कि यहाँ 1 लिखा हुआ, फ़र्ज़ कर लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आगे क्वेश्चन आया तो सॉल्व खुद करना कि अगर 1 आ गया तो आप कहोगे कि, अभी फार्मूला पहले सुन लो फिर मैं बताता हूँ क्या कहोगे। EPSM इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, EPS जो आई है मल्टीप्लाई बाय ER जो यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि इक्विवेलेंट EPS कितनी है टारगेट कंपनी की। यहाँ पर वो और से देखो EPSM क्या है, इसमें जब 0.8 है तब है 1.8182, ठीक है, इसको लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ये तो यही है EPSM की। ER यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये इसकी वजह से आंसर आया ना ये वाला, तो 0.8 ही लेंगे, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा जब रेट ये होगा, ठीक है। ये ड्रामा लो जो मर्जी इसको कह लो। अच्छा अब यहाँ पर EPS यहाँ पर चेंज होगी, लेकिन किसकी वजह से हुई, इसकी वजह से। तो यहाँ पर यही EPSM लेंगे और यही ये लेंगे, मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा 2 पॉइंट, मतलब ये हमने दो तरह करना, ठीक है।
ये देख लो मैंने किया भी होगा यहाँ पर, ये मैंने लिखा जब वेन ई आर 0.8 और वेन 0.4 यहाँ पर लाइन है बीच में, इधर ई पी एस एम वो ली जो 0.8 पे आई थी और 0.8 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 0.4 पे जो ई पी एस वो ली और उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर आप ये पूछो ना कि ये आंसर हमें बताता क्या है, तो ये बताता है कि ये जो सी डी टी है, ये टारगेट कंपनी है, इसको एक शेयर पे कितने रुपए मिल रहे हैं, इतने असल में इतने मिल रहे हैं, दिखने में लग रहा है कि ईपीएस इतनी है लेकिन इसको एक शेयर पे इतना मिल रहा है, बस ये बताता है, ये याद कर लो लाइन या जो मर्जी कर लो, लिखना चाहो तो लिख, ये बताता है कि टारगेट कंपनी को एक शेयर पे कितने रुपए असल में मिल रहे हैं, क्योंकि ये हमें असल में शो नहीं हो रहा था, क्यों, उसकी भी एक रीज़न है। अब उसकी रीज़न अगर सर पूछ लेते हैं इंग्लिश में उर्दू में कहीं भी बहुत हो या जैसे भी थियोरेटिकल, तो उसका रीज़न आप ये दोगे, क्योंकि टारगेट कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर 20,000 थे, लूज़ करके 16,000 कभी किए कभी 8,000 किए, तो इसी वजह से उसकी असल वैल्यू मालूम नहीं हो रही थी, लेकिन हम लोग फिर ये देखते हैं कि 20,000 के शेयर के लिहाज से उसको कितने मिले, तो उसको ये मिले। ठीक है, ये तब मिले जब नंबर ऑफ़ शेयर लूज़ किया, अगर नंबर ऑफ़ शेयर लूज़ ना करता तब इतने लेता, तो ये आपने जो है बात वैसे याद अपनी करनी है। अच्छा, उसके अगला स्टेप देखो, ये वही बात है जो मैं करता आया था कि अगर आपको अपने अंदर चेंज मालूम करना तो कैसे मालूम करोगे, पहले बात आपको अपनी याद होगी, पास्ट अपना याद होगा तो आगे देखोगे ना कि आप चेंज हुए हो कि नहीं हुए, तो यही वो कह रहे हैं गेन बोथ कंपनीज का मालूम करो। तो मैंने वही मार्केट वैल्यू के लिए वही उर्दू वाली लाइन मैं क्या कहता, पहले क्या निकलती वैल्यू पर शेयर, फिर उसको मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ शेयर्स, वही मैंने इधर किया, पहले मैंने टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकाली, वी एम ये फार्मूला मैंने लिखा,